इस स्मार्टफोन की एक डार्क साइड है कैमरा के हवाले से, जो कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करूंगा। इस स्मार्टफोन को परचेस करने से पहले इस वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। ये फोन Redmi Note 13 Xiaomi ने रिसेंटली लॉन्च किया पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, जिसकी जो प्राइस टैग रखी गई है 8GB 128GB वाले वेरियंट की, वो 55,000 रुपीज रखी गई थी। एंड 256GB वाला वेरियंट जो था इसी के अंदर ही, उसकी जो प्राइस रखी गई थी वो 60,000 रुपीज रखी गई थी। अब आप मुझे कोई भी एक बंदा ये बात बता दे, जस्टिफाई कर दे कि यार ये जो फोन है ये किस तरीके से कैमरा वाइज इस रेंज के अंदर जो है जस्टिफाई होगा। या मतलब आप इमेजिन करो कि आप 60,000 रुपीज 55,000 रुपीज एक स्मार्टफोन पे खर्च रहे हो और उसका इतना घटिया तरीन कैमरा आपको मिल रहा है। यार मतलब Xiaomi ये कर क्या रहा है मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा। Redmi सीरीज के अंदर इनका हमेशा से ये प्रॉब्लम रहा है यार। Redmi Note 10 की सीरीज आई थिंक जो आई थी वो काबिल कबूल थी, उसके अंदर अच्छे कैमरा थे, बल्कि काबिल कबूल नहीं थी वो। उसके बाद जो कैमरा इन्होंने लॉन्च करना स्टार्ट किया, मतलब ये ओवर हाइप्ड हो गए हैं उसके बाद से ना, क्योंकि Redmi Note 10 की सीरीज बहुत ज्यादा कामयाब रही थी, 11 भी कामयाब रही, फिर इन्होंने जो है ना 12 में भी वही पंगे किए कैमरास के वाले से, और अब 13 सीरीज फाइनली लॉन्च करी एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कैमरास में इंप्रूवमेंट होगी। मैं इसको टेस्ट कर रहा था भाई, आपके सामने खुद ही हैं सैंपल्स, मैं शेयर कर दूंगा। फोकसिंग का इतना ज्यादा आपको इशू देखने के लिए मिलता है, मतलब आप सामने रख के यार पिक्चर खींचोगे और आपको फोकस ही नहीं करेगा, ठीक है। और मतलब मैं आपको क्या बताऊं, 2x 3x पे तो भूल ही जाओ यार कि इस पे क्या क्वालिटी आपको मिलने वाली है यार। एंड Xiaomi का भैया ऐसा क्लेम करना है कि इसमें 108 मेगापिक्सल का सेंसर है यार, पीछे यहाँ बड़ा बड़ा लिखा गया 108 मेगापिक्सल। भाई कोई बंदा मुझे इस चीज़ को बता दे कि कौन सा 108 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल की क्वालिटी भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यार जैसे अभी आप लोग देख सकते हो यार सामने कुछ सैंपल्स है कैमरा के, और यार ये जो कैमरा सैंपल्स हैं ये 108 मेगापिक्सल भी खींचे हैं मैंने। आप 1x 2x एंड 3x की क्वालिटीज आप जरा चेक करें। एंड पहले मैंने यही काम किया इंडोर ना, तो मुझे लगा यार कि इंडोर लाइटिंग का भी इशू होता है, रात के टाइम पे भी मैंने कैप्चर करी थी, सो मैंने कहा यार चलो डे टाइम में अच्छा परफॉर्म कर लेगा। मैंने डे टाइम में भी इमेजेस खींची यार, और डे टाइम में इमेजेस आपके सामने हैं, मतलब 108 मेगापिक्सल, कंसिडर इट 108 मेगापिक्सल। सेम चीज़ वीडियो कैमरा के अंदर भी है कि यार मतलब फ्रंट कैमरा में खासतौर पर क्रॉप सेंसर आपको मिलता है, यानी अगर आप व्लॉगिंग करना चाह रहे हो इस फोन को लेकर, तो जैसे आप इस फोन को ऑन करोगे तो यार जो फ्रंट कैमरा पे आपका जो बूथा है यार वो इतना बड़ा से एकदम सामने दिखता है, क्योंकि क्रॉप सेंसर एकदम मुंह पे आके फोकस करता है। सो ये इशूज़ हैं जो इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। मतलब मैं बोलता हूँ कि यार अगर मैं मेरे ऐसा बंदा है, मुझे एक फोन चाहिए, कंप्लीट पैकेज चाहिए, मैं इसको नहीं परचेज कर सकता, कभी भी नहीं करूंगा। रीजन इज दैट यार ये डिज़ाइन सब कुछ नहीं होता। डिज़ाइन देखिए अगर मेरे ऐसे बंदे के लिहाज से देखा जाए ना तो अच्छा है, ठीक है, मुझे क्योंकि मुझे सिंपल फोन ज्यादा अच्छे लगते हैं एज कम्पेयर टू शशके के अंदर हो। बट अगर डिजाइन को ही लेकर चलना है ना, तो यार ओप्पो और वीवो इससे बहुत बेटर डिजाइन प्रोवाइड करते हैं इस रेंज के अंदर। टेक्नो इन्फिनिक्स की तो खैर बात ही अलग है यार, वो तो खैर आजकल मार्केट को रूल कर रहे हैं इस प्राइस टैग के अंदर भी। मैं इसका सिंपल कंपैरिजन अगर कर दूं ना इन्फिनिक्स 030 4G से, तो यार ये कहीं भी स्टैंड नहीं करता फिर मार्केट में। इसी तरह इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो से, ठीक है, इससे भी कम प्राइस में कहीं भी स्टैंड नहीं करेगा। इसका प्रोसेसर, इसके कैमराज तो छोड़ दो ना, बस कैमराज, कैमरा वाइज तो मैं इसको बिल्कुल मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपने 60,000 रुपीज़ या इवन 55,000 रुपीज़ भी इस स्मार्टफोन पर जो है ना खर्च करें, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है कैमरा की क्वालिटी वो कोई मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार रुपये वाले स्मार्टफोन की तरह की है।